सभी लोगों को भूतों की सिद्धि करना है। बहुत लोग तो कहते हैं भूत होता ही नहीं है, और बहुत लोग कहते हैं कि कम से कम हमें भूतों का दर्शन तो हो जाए, प्रेत को तो हम बाद में देखेंगे। लोगों का यह मानना है और लोगों को डर भी लगता है और सिद्ध भी करना चाहते हैं। लोगों का मन को देखो कि डर भी लगता है, कहते हैं कि गुरुजी हम कैसे सिद्ध करेंगे, कुछ हो जाएगा तब, कहीं हमको भूत उठा उठा के पटकेगा तब क्या होगा हमको, इसलिए हम आपके सानिध्य में ही साधना करेंगे। कई लोग जो है इनसे डरते भी हैं और साधना भी करना चाहते हैं, सीखना भी चाहते हैं, और कई लोग जो है मानते भी नहीं हैं और डरते भी हैं, तो उनका क्या कहना। चलिए आप लोगों को भूतों की सिद्धि करने का तरीका बताता हूँ। यदि आप लोगों को भूत की दर्शन करना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा रात को शमशान जाना है, और जलती हुई चिता में से जब व्यक्ति लाश से फूंक करके चले जाए, व्यक्ति जब अंतिम संस्कार करके लाश से फूंक करके चले जाए, तो उनमें से जलती हुई लकड़ी ही आपको केवल वहां से निकालना है और उसको अपनी हाथों से मुझाना है। अपनी हाथों से उस लकड़ी को मुझा करके केवल अपने पास रखना है। क्या करना है, जलती हुई लकड़ी को बुझाना है और अपनी हाथों से, और फिर उसे अपने सिरहाने में रखना। जब अच्छी तरह से बुझ जाए तो उस लकड़ी को अपने पास रखना है या अपने सिरहाने में रख करके सोना है। जिसको भूत नहीं दिख रहा है उसको भूत दिखना शुरू हो जाएगा। जिसको भूत का आज तक दर्शन नहीं हुआ है उसको भूत दर्शन हो जाएगा। केवल आप रख के तो देखो, हिम्मत है तो रख के देखो। जिसको विश्वास नहीं है कि भूत नहीं होता, यह प्रयोग करके तो देखो। और यह प्रयोग सभी व्यक्ति ना करे, इसलिए यह छोटा सा प्रयोग है, इससे भी बड़ा प्रयोग है। जिसको यह प्रयोग से नहीं दिखेगा उसके लिए दूसरा प्रयोग है, उसको अवश्य दिखेगा और भूत को सिद्धि हो जाएगा। इस प्रकार से यदि आप भूत को बुलाने का प्रक्रिया करते हैं, तो इस प्रकार से आप भूतों को बुला करके देख सकते हैं या उनसे कोई काम ले सकते हैं। यदि आप सिद्ध पुरुष कोई तांत्रिक है, भगत है, ओझा है, तो आप काम ले सकते हैं। आम पब्लिक के लिए यह प्रयोग नहीं है। आगे की जानकारी के लिए हमारा अगला वीडियो देखिएगा।